हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करें, माता रानी करें कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनादी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये शादी वाला दिन का ब्लॉग है, मतलब शाम का टाइम है और मैं हो रही हूँ रेडी शादी में जाने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी हल्दी वाला वीडियो आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिए। तो आज शादी है तो वही शादी में मैं जा रही हूँ, यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ। और क्योंकि फटाफट रेडी हो रही हूँ क्योंकि हो गया है थोड़ा सा लेट, और घर का ही शादी है बगल में मेरी जेठानी के बेटी का। तो ये गए हैं कि एक बार जा रहे हैं, वहाँ से कुछ कुछ काम करवा के आ रहे हैं, देख के आ रहे हैं। तब तक तुम रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर ले चलेंगे। तो बस वही, मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है उनका घर। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिए और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो यहाँ पे अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस सिर्फ कंघी करना है। और ये देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी फटाक से। और मैं हो गई हूँ रेडी, और कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो बज चुका था 8 और ये कर रहे थे गुस्सा, जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर हम लोग यहाँ फटाफट आए और ये देखिए, दुल्हन की हो रही है एंट्री, मतलब अब दुल्हन को घर से निकाल के ले जाया जा रहा है जयमाल के स्टेज पे। तो यहाँ पे जयमाल का स्टेज बना था, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ कि मैं बहू हूँ घर की, तो इसलिए मैं मतलब अभी गांव में ये सब है उतना वो नहीं है, तो इस वजह से मतलब जाके सामने ऐसे नहीं, सर पे पल्लक करना ही है और मतलब बहुत लोग देखने लगेंगे, इसलिए क्लिप नहीं बना सकते उतना सारा। थोड़ा बहुत जितना हो सका है उतना बनाई हूँ, और थोड़ा सा बाबू बना लिया है तो है वही वाला शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दुल्हन आ चुकी है और ये हम देखिए हमारी दुल्हन कैसी लग रही है, प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ पे दूल्हे राजा जो हैं और हाथ पकड़ के दुल्हन को स्टेज पे चढ़ाएं, जो कि आजकल बहुत ही ये सब हो रहा है, मतलब आजकल क्या, बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत पहले से ही हो रहा है ये सब। आजकल तो बहुत ही नया नया ये सब हो गया है, लेकिन वही है कि गाँव में उतना नहीं हो पाता है, अरेंज तो वो सब नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है उतना हुआ है। और ये ऊपर देख रही है कि वो लड़की दिखा रही है, क्योंकि ऊपर ड्रोन से जयमाला आ रहा है, तो वही दिखा रहे थे कि देखो ऊपर से ये जयमाला आ रहा है। और मैं थोड़ा सा आपको भी दिखा रही हूँ, यहाँ ऊपर से देखिए ऐसे करके जयमाला आ रहा था। वेट कर रहे थे दूल्हा दुल्हन की, कब जयमाला आएगा, सब लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा कि जयमाला पड़े, और यही ये आ रहा है ऊपर से बारी बारी करके। एक आया और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आया, और ये ला के नीचे ऊपर कर रहा था, तो यही सब लोग पकड़ रहे थे कि ये ललचा रहा है। ये देखिए सब पकड़ने में, सब लोग पकड़ने में लगा था कि इसको पकड़ ले, लेकिन ये हटा दे रहा था बार बार, और सब लोग इसी पे हंस रहे थे।
और यहाँ पे जयमाला आ चुका था। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाएंगे, तो बस वही यहाँ पे ये लोग हो गए हैं। और ये देखिए, जैसे ही ये लोग पहनाने के हुए वैसे ही ये गोल गोल घूमने लगा। ये जो नीचे सिस्टम लगा हुआ है घूमने वाला, तो वही गोल गोल घूमने लगा। और मैं ज़्यादा अब वॉइस ओवर इसलिए की हूँ क्योंकि सॉन्ग बज रहा था तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने सारा ही वॉइस को स्किप कर दी हूँ। और ये देखिए, हमारी दुल्हन पहना चुकी हैं दूल्हे राजा को जयमाल, और अब यहाँ दूल्हे राजा पहना रहे हैं दुल्हन को। तो ये देखिए, हो गया जयमाला। यहाँ पे सब लोग ताली बजाए, ऊपर से फूल बरस रहा था, तो इस तरीके से हुआ जयमाला। और फिर जैसे ही जयमाला हुआ, फिर भी ये ऐसे ही गोल गोल घूम रहा था, ये लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे। और इसके बाद बहुत सारा ही फ़ोटो सेशन हुआ है। आजकल जैसे पता ही है कि फ़ोटोग्राफी लोग ये ऐसे करिए, वैसे करिए, इस तरीके से करिए, तो बस यही सब ये हो रहा था यहाँ पे। फिर ये लोग हाथ जोड़ के भगवान को याद किए, प्रणाम किए, और इसके बाद बारी बारी से सब लोग स्टेज पे जाके फ़ोटो खिंचवाया उनके साथ। और इसके बाद दूल्हा आया मंडप में, तो उसका स्वागत किया जाता है, परिछावन किया जाता है लोढ़ा से। हमारे यहाँ सिलबट्टा और लोढ़ा वो जो होता है ना, उसी से तो पैसा न्यौछावर किया जाता है यहाँ पे तिलक लगा के, तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये देखिए मैं कर रही हूँ। और तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अब नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।